वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पाठ बाल गोविंद भगत के। प्रश्न उत्तर और नए शब्दों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो पाठ है हमारा बाल गोविंद भगत, ये एक रेखा चित्र है जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नए शब्द पढ़ लेते हैं। मझोला यानी कि न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, यानी कि मीडियम साइज। मझोले कद के बताए गए थे जैसे कि बाल गोविंद भगत, तो बहुत लंबे भी नहीं थे, बहुत छोटे कद के भी नहीं थे, मीडियम कद उनका हुआ करता था। कमली जटाजूट, कमली यानी कि कंबल और जटाजूट यानी कि बालों की, जैसे लंबे लंबे बाल बढ़ा लेते हैं साधु संन्यासी, उसे जटाजूट कहा जाता है। खामखा यानी कि अनावश्यक, अननेसेसरीली। रोपनी यानी कि धान की रोपाई। बेटे चावल का जो पौधा होता है उसे धान कहते हैं, चावल के बीज को भी धान कहते हैं, धान का पौधा कहते हैं। तो चावल के पौधे के लिए क्या होता है कि पहले कहीं अलग छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उसके बाद पानी से भरे हुए खेत में उनको दोबारा से प्लांट किया जाता है। तो उसे जो प्लांट करते हैं पानी से भरे हुए पेड़ में, उसको खेत में, उसको रोपाई कहते हैं। कलेवा यानी कि भोजन या ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, कई जगह पर कलेवा जो है ब्रेकफास्ट को कहते हैं, कई जगह पर लंच को कहते हैं। तो कलेवा यानी कि खाने पीने का सामान जो है दोपहर को या सुबह जो खाया जाता है। पुरवाई यानी कि पूरब की ओर से आने वाली जो हवा होती है, पूरब से चलती है, उस हवा को पुरवाई कहते हैं, पूरब से आई हुई हवा को पुरवाई कहते हैं। मेड़ खेत के किनारे पर बैठे अपने अपने खेत को एक तरीके से बैरियर दिखाने के लिए, अपनी जो है बॉर्डर दिखाने के लिए, थोड़ी सी मिट्टी का एक ऊंची सी बाउंड्री सी थोड़ी छोटी सी बना दी जाती है ताकि सबको पता चलता रहे कि कहाँ तक किसका खेत है। वो मिट्टी से ही बना दिया जाता है, एक तरीके से एक लाइन बना दी जाती है मिट्टी की, उसे मेड़ कहते हैं। अधरतिया यानी कि आधी रात। झिल्ली यानी झींगुर, जिसकी रात को आपने आवाज जरूर सुनी होगी। दादुर यानी मेढक। खंजरी यानी ढपली। निस्तब्ध यानी सन्नाटा। पोखर तालाब को कहते हैं, छोटे तालाब को कहते हैं। टेरना यानी कि सुरीला राग लगाना। आवृत यानी कि ढका हुआ, कवर्ड, आच्छादित वर्ड भी आता है इसके लिए। श्रम बिंदु पसीने को ही कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद पसीना आया होता है माथे पर तो या कहीं भी बॉडी में, तो उसे श्रम बिंदु कहते हैं। संझा यानी कि शाम के समय गाए जाने वाले भजन। प्रभाती कहते हैं बेटा सुबह गाए जाने वाली गीतों को, और संझा कहते हैं शाम को गाए जाने वाले भजन को। करताल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सुबग यानी सुंदर। कुश एक तरह की नुकीली घास होती है। बोधा यानी कि कम बुद्धि वाला, जिसे कम समझ हो। संबल यानी सहारा। तो ये थे आपके पाठ में आए हुए नए शब्द। अब हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न पढ़ेंगे बेटे। पहला प्रश्न है इसमें, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण, बेटे देखिए यहाँ पर उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है, उनके कैरेक्टर में क्या क्या ऐसी खास बातें थी जिनके कारण वो साधु कहलाते थे। इसमें आपको, इसमें आप चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। शुरुआत आप करेंगे, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी अनेक चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पहली आप इसमें लिखेंगे कि जो बाल गोविंद भगत थे वे कबीर पंथी थे, सदैव कबीर के पद गाते रहते थे। दूसरा आप लिखेंगे, किसी की भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी हो, बिना मूछे इस्तेमाल नहीं करते थे, और कई बार तो ऐसे वो बहुत ज्यादा बारीक, मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक ले जाया करते थे कि लोग हैरान हुआ करते थे। तीसरा, किसी के भी खेत तक में भी वो ऐसे ही जाकर के इस्तेमाल नहीं किया करते थे। चौथा, जो भी उनके खेत में उगता था उसको सारे को लेकर के जाते थे वो कबीर के मठ में, वहां पर अर्पित कर देते थे। वहां से वापसी के लिए उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसी में वो अपना सारे साल गुजारा किया करते थे। किसी से खामखा झगड़ा नहीं करते थे, निष्पक्ष थे, झूठ नहीं बोलते थे। इन सब विशेषताओं के कारण उन्हें सभी लोग साधु कहा करते थे। गृहस्थ होने के बावजूद उनको इन सब चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहा जाता था। आई होप आप इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। दूसरा है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बेटे जब भगत के पुत्र का जब देहांत हो गया, उसके बाद वो चाहते थे कि उनकी पुत्र वधु वहां से चली जाए, उसका दूसरा विवाह कर दिया जाए, लेकिन पुत्र वधु जो थी उनकी, वो उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसको बाल गोविंद भगत की चिंता थी।
वो सोच रही थी कि मेरे जाने के बाद जब बाल गोविंद भगत अकेले रह जाएंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुके हैं और ये बीमार पड़ेंगे तो इनको देखभाल कौन करेगा, कौन पानी देगा। इसी कारण वो उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पाठ का आपका तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो यहाँ पर आप बताएंगे पाठ में कि वो जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने उसे सफेद कपड़े से ढक दिया, उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए और साथ में एक दिया जला रखा था। अपनी पुत्र वधु को रोने से मना कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये कोई रोने का नहीं, उत्सव का अवसर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये आपका बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे, उम्र लगभग 60 के ऊपर थी और जटा जूट तो नहीं रखते थे लेकिन चेहरे पर हमेशा चमक रहती थी, माथे पर रामानंदी चंदन का तिलक रहता था उनके और हमेशा गले में वो एक तुलसी की जड़ों की बेडॉल माला पहने रहते थे। ये इनकी व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का शब्द चित्र हो गया। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। इसका आंसर आप लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत दिन भर जो है दिन रात गीत गाते रहते थे, इसके बावजूद पता नहीं कब रात में वो जाकर के दो कोस दूर जाके और जाके नदी में जाकर स्नान कराया करते थे और आकर किसी पोखर के किनारे बिंडे पर बैठ करके खंजड़ी बजाते हुए गाने लग जाया करते थे। इस उम्र में भी इतना जोश लोगों को अचरज से भर दिया करता था। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर जब आपको लिखने की बात आएगी बेटा तो आप उनकी शुरुआत करेंगे वहीं से जहां से आपको बताया गया है कि लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गायन का सबसे अधिक जो है क्या एक तरीके से फैन है, बहुत ज्यादा उन पर मुग्ध है, उनके मधुर गायन पर उन्हें बहुत पसंद था लेखक को। उन्होंने लेखक जो है ये बाल गोविंद भगत हर मौसम में कबीर के पद गाते हुए सुनाई पड़ते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। जब वो गीत गाते हैं तो बच्चे, खेत का वर्णन आप कर सकते हैं, खेत में जो इंसिडेंट बताया गया था, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी लोग उनके गायन में मुग्ध हो जाते हैं। बच्चे उनके गीत के साथ नाचने लग जाते हैं, महिलाओं के होंठ कांपने लग जाते हैं और वो उनके साथ साथ उसको गुनगुनाने लगती हैं। पुरुषों के काम करते करते हाथ और पैर बाल गोविंद भगत के गीत की ताल पर चलने लग जाते हैं। इसके अलावा जब वो घर में, जब अपने घर में वो गीत गाया करते थे, आंगन में जो आया था आपके प्रेमी भक्त उनके जो थे वो दोहराते थे रहते थे, तो वहां पर भी जब वो गाते हैं तो लोग उनके साथ साथ नाचने और गाने लग जाते हैं। साथ ही वो इतना अच्छा गाते थे कि लेखक खुद एक बार आधी रात को भरी सर्दी में, दांत किटकिटाती सर्दी में उनको सुनने के लिए उनके नजदीक तक पहुंच गया था। ये सारी की सारी बातें आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा बेटे। अगला प्रश्न है, कुछ प्रसंगों के आधार पर बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो पाठ के आधार पर बेटा आप बताएंगे तो दो बातें आएंगी। पहली बात तो आएगी कि जब उनके पुत्र का देहांत हुआ तो उन्होंने स्वयं उसका अंतिम संस्कार न करके अपने पुत्र वधु यानी कि उस बेटे की पत्नी से उसका अंतिम संस्कार कराया, जो कि उस समय बहुत ज्यादा सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अंतिम संस्कार का कार्य आमतौर पर पुरुष ही करते हैं, महिलाओं से किया जाना, महिलाओं के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाना इतनी सामान्य घटना नहीं थी। और दूसरी बात, आज भी उनके जो है विधवा विवाह, पुनर्विवाह इतना प्रचलित उस समय नहीं रहा होगा, परंतु बाल गोविंद भगत ने जब उसका जो है श्राद्ध के दिन निकल गए उनके बेटे के, तो अपनी जो पुत्र वधु थी उसके भाई को बुला करके और कहा कि इसे ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना। यानी कि बाल गोविंद भगत जेंडर बायस नहीं थे, उनको महिला पुरुष वाला भेदभाव नहीं था, वो अपनी पुत्र जो पुत्र वधु थी उसको भी बहुत प्रेम करते थे और बहुत ज्यादा उसको सम्मान देते थे, इसलिए उन्होंने कोई भेद करते हुए उसको जो है किसी भी बाधा के लिए, किसी भी संस्कार के लिए रोका नहीं। और दूसरी बात, वो पुनर्विवाह के भी समर्थक थे। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उस माहौल की जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि बच्चे खेतों में खेल रहे होते थे, महिलाएं खेत की मेड़ पर करेवा लिए बैठी होती थी, लेकिन जैसे ही बाल गोविंद भगत का गीत सुनाई पड़ता था बच्चे नाचना शुरू कर देते थे,
महिलाओं के होठ कांपने लगते थे। वो उनके साथ साथ गीत गाना शुरू कर देते थे। हल चलाते लोगों के पैर उनके गीत की लय के साथ चलने लग जाते थे और रोपनी करने वाले लोगों के हाथ उनके गीत की लय के साथ ही काम करना शुरू कर देते थे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने पहनावे में ही कबीर को रखा है बेटे, वो हमेशा कबीर की कनफटी टोपी पहना करते थे। दूसरी बात, तो उनके पद गाया करते थे हमेशा। तीसरी बात, वो जो भी उनके खेतों में उगता था वो सब चीज को साहब की ही देन मानते थे। जो कुछ उगता था उसे अपने सिर पर रख करके कबीर के मठ में ले जाते थे। वहां से जो कुछ वापस मिलता था उसी को वापस ला करके वो अपना गुजारा करते थे। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं अपने केवल व्यवहार में भी उन्होंने कबीर को फॉलो किया है पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने कहीं भी मोह नहीं रखा और प्रेमवश भी ऐसे कहीं वो अपने आप को अधीन नहीं पाते हैं। वो सामाजिक जो मान्यताएं जो रूढ़ियां थी उनका खंडन करते हैं, पाखंड का खंडन करते हैं, अपने पुत्र व दूसरे पुत्र का जो है अंतिम संस्कार करवाते हैं, उसके पुनर्विवाह की बात करते हैं। तो इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं उनकी कबीर पर अपार श्रद्धा थी। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो बेटा किसी की भी किसी व्यक्ति पर अगाध श्रद्धा के कई कारण हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपकी दृष्टि से है, आपको अपने आप लिखना है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा कुछ मैं अपने विचार बता सकती हूँ कि मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक तो कबीर मठ उनके आसपास कहीं रहा होगा, तो जिन चीजों का आपको एक्सपोजर मिलता है उन चीजों के लिए आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। जो चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं उनमें आपकी श्रद्धा इतनी आसानी से नहीं बन पाती है। दूसरा कारण हो सकता है कि उनके परिवार में भी कबीर के लिए उनके माता पिता को भी श्रद्धा रही हो। तीसरी बात, उनके स्वयं की अपना व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं कबीर की बातों से प्रभावित हुए होंगे, जो उनके विचारों से मिलती होंगी सारी की सारी बातें, इसी कारण उनकी कबीर में श्रद्धा रही होगी। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो मोह और प्रेम में अंतर होता है बेटे। मोह का मतलब होता है कि हम जिस चीज को हम पसंद कर रहे हैं वो हर हाल में हमारे पास रहे, हम उसे किसी भी तरीके से हासिल कर लें, हम उसे अपने पास रखने के लिए सही गलत कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किसी भी सूरत हमारे पास रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं सोचते हैं कि वो अमुक चीज या व्यक्ति सुखी होगा हमारे पास रहकर या दुखी होगा या उसे क्या कष्ट है, इन सब बातों तक हम नहीं सोच पाते हैं। जबकि प्रेम होता है, प्रेम में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे वो हमारे पास रहे या हमसे दूर रहे। यानी कि मोह में हम अपनी खुशी देखते हैं और प्रेम में उसकी खुशी देखते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। तो मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में परमार्थ होता है। इसी बात को आप लिखेंगे तो आपकी ये बात सिद्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पाठ बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा में लिखा है। मैंने आपको बताया था बेटे कि पाठ बाल गोविंद भगत गद्य की रेखा चित्र विधा में है। ये गद्य का एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में आप बताते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस बताते हैं, उसके कैरेक्टर्स बताते हैं, उससे जुड़ी हुई खास खास बातें बताते हैं, वो कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं कि जिनसे उस व्यक्ति के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके पर्सनैलिटी के बारे में चीजें क्लियर निकल करके आ सके। तो एक विशुद्ध यह रेखा चित्र है जिसे राम रक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है बेटे। ये था आपका पाठ बाल गोविंद भगत। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए वो सब मैंने बना दिए हैं। आंसर्स के लिए आपको मैंने थोड़ा सा एक तरीके से हिंट दे दिए हैं, आप इनके आधार पर उत्तर लिख सकते हैं। तो बेटा आप एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न आपका आएगा वो कम से कम 2 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 नंबर का आपका प्रश्न आता है तो उसी हिसाब से आप अपने जो उत्तर है वो तैयार करें। बहुत छोटे भी ना हो लेकिन इतने ज्यादा बड़े भी ना हो कि आपका पेपर भी पूरा ना हो पाए। तो मीडियम आंसर्स आप लोग अपने तैयार कीजिए। छोटा आता है तो छोटा लिख दीजिएगा, बड़ा आता है तो बड़ा लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। अपने सभी आंसर लिख लीजिए। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पेपर के लिए बेटा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।